गाड़ी, फिर द्वार तक जाएंगे बाई ट्रेन, वहाँ से फिर जाएंगे जयंती, और जयंती से फिर देखते हैं कैसा ट्रैक होने वाला है। मुझे पता नहीं है क्योंकि बेसिकली मैं पहली बार जा रहा हूँ महाकाल के लिए, जो कि जयंती से कुछ दूर चलने के बाद में जोरा पहाड़ पड़ता है जो कि भूटान में पड़ता है। तो जोरा पहाड़ पर महाकाल के दर्शन होने वाले हैं और पता नहीं कैसा रहने वाला आज का जर्नी। सो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं फिलहाल आज की जर्नी को। हम लोग अभी अलीपुर, न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग टेम्पू लेके जयंती को जाने वाले। देखते हैं हम लोग, आप दिखाते हैं आप लोगों को हम लोग के साथ कौन कौन है टेम्पू में। ये हुए अजय जी, अमेदा हो गए, हेलो हेलो फ्रेंड्स, और इनका क्या नाम है आदित्य, और मुकेश भैया यहाँ साथ में हो गए। हम लोग पांच आदमी इस टेम्पो से जा रहे हैं और देखते हैं, टेम्पो वाला ने बोला है कि दो आदमी को और इसमें एडजस्ट करेगा, पता नहीं कैसा, सीट तो है नहीं, दो आदमी को और एडजस्ट करेगा, इतने लोगों को साथ में हम लोग को अभी जयंती जाना होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग के चाहते यूट्यूबर मिस्टर रंजीत जी के साथ हम लोग का ट्रिप अब स्टार्ट होने जा रहा है। नाउ मतलब बिगिंस बोल सकते हैं, हम लोग का स्टार्टिंग हो रहा है। अभी यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट टाइम हम लोगों का, देखें रोमांच कैसा रहता है। नो डाउट बाबा महाकाल का हम लोग का ऊपर आशीर्वाद रहेगा और जय हो महाकाल, जय महाकाल, सब रहेंगे खुशहाल। हम लोग यहाँ जयंती पहुँच चुके हैं, यहाँ से अब पैदल फाइनली थोड़ा दूर ट्रैकिंग करने के बाद में अभी हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ का पीछे का नज़ारा मैं दिखाने देना चाहता हूँ, क्या व्यू आ रहा है, जबरदस्त व्यू, बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, एकदम मेरे पीछे जबरदस्त व्यू आ रहा है। और ये पहाड़ की चोटी पे ही हमें चढ़ना है, आज का ट्रैकिंग यहाँ से शुरू होकर सीधे इस पहाड़ की चोटी तक जाएगी। चलिए शुरू करते हैं ट्रैकिंग को। देख सकते हैं आप ये पथरीला रास्ता के जरिए हम लोगों को अभी ट्रैकिंग करके ऊपर तक जाना है। थोड़ा ही दूर चले हैं, इस रास्ते को आप देख सकते हैं, इस रास्ते के जरिए ही हम लोग उस चोटी तक जाना है। हम लोगों को ट्रैकिंग करते करते ये बीच में एक नदी आ गई है, छोटी सी है, और इसको हम लोग अभी पार करेंगे। इस नदी को पार करते हुए हम लोगों को उस पार पहुंचना है धीरे धीरे। थोड़ी देर ट्रैकिंग करने के बाद में हम लोग ने कुछ ना ब्रेकफास्ट के लिए रुका था, पानी वानी पीने के लिए। पानी वानी पीने के बाद में फिर से हम लोग अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करके काफ़ी दूर आ गए हैं। अब पता नहीं ट्रैकिंग कितना लंबा चलने वाला है, फर्स्ट टाइम है हमारा। हमारे दो जवान बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हैं, हमें भी आपको लग रहा है बिल्कुल थक चुके हैं। अब हमारा भी आप देख सकते हैं पसीना कितना बुरा हाल हो रखा है। सब महाकाल के भरोसे इसी तरह चलते हैं, देखते हैं महाकाल के भरोसे हम लोग यात्रा को शुरू कर चुके हैं। देखते हैं कब तक महाकाल के दरबार में पहुँचते हैं, अभी ट्रैक काफी लंबा होने वाला है। हमारे भाई के थ्रू आप लोग को पल पल का अपडेट मिलता रहेगा, नो डाउट बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अद्भुत यात्रा है ये। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यह पथरीला है रास्ता है, नदी के रास्ते हम लोग ऊपर जा रहे हैं। चले चलते हैं। सो फाइनली थोड़ी ट्रैकिंग करने के बाद में अभी हम लोग फिर रुके हुए थोड़ा सा, यहाँ पे किशनगंज का धर्मशाला है, शिविर लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जलपान करेंगे। और पीछे अपना झरना बह रहा है, इस झरना में हम लोग मुंह और धोए हैं और हमारे दोस्त लोग भी धो रहे हैं। पानी बहुत ही ठंडा है, पूरा मन फ्रेश हो चुका है, जितनी भी गर्मी बनी हुई थी सब सारी उतर गई। सो अभी बहुत ही ठंडा पानी, जो मजा आ रहा है यहाँ पानी में, ओ एक बार आप लोग जरूर आइए और जाकर यहाँ का मजा जरूर लीजिए। आप लोग जितने लोग आए हैं बहुत अच्छा किए हैं, जो नहीं आए हैं प्लीज जरूर आइए, इस रोमांच, इस बाबा की भक्ति का मजा लीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। ओह क्या रास्ता, क्या जगह है, बहुत ही बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है हम लोगों को। हम
हम जब जयंती से आए तो इधर से आते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमारे बाएं साइड में किशनगंज का जो शिविर लगा हुआ था, ये किशनगंज का शिविर है, यहीं पे हम लोगों ने अभी रेस्ट किया है। और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ेंगे। फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट नाश्ता खाना जो बोले वो हम लोगों ने कम्प्लीट करके लगभग 2 घंटा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में अब हम लोग फाइनली चढ़ाई होती है, पहाड़ की चढ़ाई के लिए हम लोग अब निकल चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना पथरीला रास्ता है और रास्ते में जो बीचों बीच नदियाँ बह रही हैं, इस नदियों छोटी छोटी नदियों को हम लोग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर वादियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इस पहाड़ पे हमें अभी चढ़ाई करनी है। अब रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह का आपको शिविर मिलता चला जाएगा। ये शिविर कहाँ कहाँ है बंगला में लिखा हुआ पता नहीं है, बढ़िया व्यवस्था दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जय महाकाल। अब यहाँ से पहाड़ की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग अब इस तरह धीरे धीरे करते हुए महाकाल के दर्शन को जाएंगे। आप देख सकते हैं पहाड़ शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगे हैं। हम लोग आज रात को ही चढ़ाई करने वाले हैं मंदिर तक। अब देखना है कि हम लोग के चढ़ पहुंचने तक मंदिर खुली रहती है या बंद रह जाता है। अगर खुला रहा तो आज ही दर्शन करके हम लोग नीचे उतरने का प्रयास करेंगे, अन्यथा कल दर्शन करके नीचे उतरेंगे। चलिए देखते हैं आगे जो भी अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को दिखाते चलेंगे। चलिए हम लोग बिल्कुल अपने रफ्तार में धीरे धीरे चल रहे हैं। वो आप लाइट को देख सकते हैं, ऐसे करते करते वहाँ तक हम लोग को जाना है और पता नहीं कितने ऊपर तक चलेंगे। बिल्कुल आप यहाँ आएंगे तो जैसे देवघर में दुकान वगैरह लगी हुई रहती है, सेवा सदन वगैरह बना हुआ रहता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिखने वाला है आपको, बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ से अंधेरा हो रहा है, देखते हैं सामने कहीं भी उजाला मिलेगा तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे। सो फाइनली हम लोग यहाँ तक अभी चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं लास्ट वहाँ तक जाना है, अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं, लेकिन यहाँ तक आते आते हालत खराब हो चुका है। ये सीढ़ी है, मैं कैमरा सामने करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अंधेरा हो जाने के कारण रास्ते का मैं व्यू नहीं दिखा पाया,
क्या बताऊँ, मैं रास्ते में इतना ज़बरदस्त खड़ी चढ़ाई थी, बहुत डर लग रहा था, बड़ी डरते 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 ऊपर तक चढ़ा हूँ मैं। आप फोटो के माध्यम से आप महाकाल का दर्शन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जितना लाभ मुझे यहाँ आकर प्राप्त हुआ है, वीडियो देखकर भी आपको उतना लाभ ज़रूर मिलेगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे भी इसी तरह